स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा, संस्कृत व्याकरण में। आज सत्व विधान और णत्व विधान और सत्व विधान पर बात करेंगे। छात्रों, यह वीडियो क्लास 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे ध्यान से सुनेंगे। छात्रों, ऐसा देखा जाता है कि ट वर्गी न और ये जो मूर्धन्य स है, ये दोनों के प्रयोग में अधिकतर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि कौन सा न कहाँ लिखें। ट वर्गी न लिखें कि ट वर्गी न लिखें, दंत स लिखें कि तालव्य स लिखें कि मूर्धन्य स लिखें। और ज़्यादातर जो है ट वर्गी न और मूर्धन्य स के प्रयोग में मिस्टेक होता है। इसलिए उसके कुछ नियम दिए गए हैं, उसके कुछ विधान हैं। उन एक दो नियमों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको इसमें, इसके प्रयोग में कोई परेशानी नहीं होगी और हम गलती करने से बच जाएंगे। तो पहले हम न तो विधान की चर्चा करते हैं कि ये टवर की न का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ कहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए छात्र दो रूल है, दो नियम है, आप इसको स्मरण रखिए, याद रखिए कि एक ही पद में र मूर्धन्य स री के बाद अगर न लिखना हो, अगर न लिखने की जरूरत हो तो यही ट वर्गी न लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, रामेना, रामाना आदि क्या है, एक ही पद में र है, इसमें भी र है, इसमें भी र है। तो एक ही पद में र कहीं भी रहे तो वहां पर अगर न लिखने की जरूरत पड़े तो हम ट वर्गी न को लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, र और स के बाद किंतु न से पूर्व स्वर वर्ण कवर्ग, कवर्ग मतलब कोई भी कवर्ग का वर्ण, पवर्ग आन मतलब आ, ठीक है ना, नूम हर, इन वर्णों में से अगर कोई भी वर्ण रहे तो इस न के जगह पर यही ट वर्गी, त वर्गी न के जगह पर ट वर्गी न लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, रामेना, हरिना, सर्पेना आदि। तो ये जो विधान है, ये जो नियम है छात्र, इसको आप स्मरण रखिए, याद रखिए, तभी आप इसके प्रयोग को सही सही जान सकते हैं, ठीक। उसी तरह सत्व विधान है, ये तो कहता है अ, इसके प्रथम नियम को देखिए कि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद यदि प्रत्यय या विभक्ति का स आता हो तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे देखिए, मुनिसु, गुरुसु, बालकेसु, नियम कहता है अ और आ को छोड़कर। तो ये जो तीन उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, मुनिसु, गुरुसु, बालकेसु, तो इसमें क्या है, ई है, उ है और इसमें ए है, इसके बाद स आ रहा है तो ये जो है मूर्धन्य स हो गया। लेकिन अ और आ रहेगा तो वहां ये मूर्धन्य स नहीं लिखेंगे। जैसे लतासु, लता, लता में जो है देखिए, लता का रूप देखेंगे तो सप्तमी के बहुवचन में क्या आता है, लतासु, तो लतासु आकारांत है तो वहां लतासु इस तरह से लिखेंगे, लतासु, लतासु इस तरह से लिखेंगे, वहां चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा है, कर, विसर्ग और अनुस्वार के बाद भी आने वाली विभक्ति और प्रत्यय के स का स हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, वी जोड़ सन्ना, मैं ये बता रहा था कि यहाँ देखिए कि वी जोड़ सन्ना विसर्ना, यहाँ देखिए स के आधार पर ये न का भी चेंजिंग हो गया। अनु जोड़ स्तूप अनुस्तूप, अधि जोड़ स्थित अधिष्ठित, ये देखिए। तो इस नियमों को हम याद रखेंगे, जब इन नियमों को याद रखेंगे तो इसके प्रयोग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।